पाप का तांडव फिर से उठा, जख्मी है मानवता, मर रही है इंसानियत, सोच में है विधाता। देखना है पापियों के सर्वनाश के लिए अब और कौन है आता। नहीं है राजा, नहीं है रानी, नहीं है राजा, नहीं है रानी, है ये अजब कहानी जी। जब जब पाप बढ़ेगा, सुन लो आएगा एक जूनियर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। बादल है पर ये गरजे तो काफे पापी, रक्षक का अवतार बन के आ गया है जूनियर जी। जूनियर जी, 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 जूनियर जी। अगर इंस्पेक्टर साहब ये गलती तुमने दोबारा की तो मैं आपकी कंप्लेंट कमिश्नर साहब को कर दूंगा। हमारी भी जिद है, हम दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेंगे। तो तुम लोग माने नहीं, तुमने मेरे चाचा जी को झूठे केस में फंसाकर जो पाप किया है उसका फल तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। बूम! जब तक हम आपके साथ है, समझ लीजिए जूनियर जी भी आपके साथ है। और अब आगे। अरे नीनी, रो रो। जो होगा रो, ट्राई तो करो। हाय 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 टीना, ये तुम्हारे चेहरे पर चोट कैसी लगी? वो बस कुछ नहीं, साइकिल चलाते गिर गई थी। हाँ हाँ, दिमाग कहीं और होगा तो गिर तो जाएगी ना। ए, तू अपने काम से मतलब रख, समझी ना। ओ हेलो, मैं तुझसे बात नहीं कर रही हूँ। अरे अपना ये झगड़ा बंद करो और ये लो चॉकलेट का, ये लो, ये लो, मुझे दे, ये ले, ये लो तुम लो। नहीं मैं नहीं खाऊंगी। क्यों? अरे मोटे, तू टीवी नहीं देखता, न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ता, तुझे मालूम है आजकल ये चॉकलेट खराब आ रही है। शैली तुम भी ना अफवाहों पे मत जाओ, अपनी अकल लड़ाओ। मैं तो चॉकलेट खाऊंगा, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। क्या चॉकलेट है मोंटी, तूने जिंदगी में पहली बार अच्छा काम किया है। थैंक्स थैंक्स। सही कह रहे हो गौरव, अफवाहों पे कभी जाना नहीं चाहिए, हमें अपनी अकल लगानी चाहिए, समझी बेअकल? ओ बेअकल होगी तू, तू होगी बेअकल। ओ तमीज में रहे हाँ? तू तमीज में बात कर। अरे तुम लोग फिर शुरू हो गए, चुप रहो और ये चॉकलेट खाओ। बाय द वे, तुम लोग यहाँ कर क्या रहे थे? वो हम लोग क्रॉसवर्ड सॉल्व कर रहे थे, अब तुम लोग आ गए हो ना, हमारी मदद करो ना। मैं हूँ ना, बोलो क्या करना है। अच्छा बताओ, इंग्लिश में 5 अक्षरों वाली कोई ऐसी चीज जो हमारे माइंड में भी हो सकती है और मिरर में भी। ये तो कितना इजी है। क्या है? क्रैक, और क्या। सही कह रहा है तू, तेरे माइंड में भी क्रैक ही तो है। एक तो मैं सही आंसर बता रहा हूँ, ऊपर से तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अरे क्रैक, इसका सही आंसर है इमेज, इमेज। ये आवाज तो प्रोफेसर बनांडो की है। किसकी? प्रोफेसर बनांडो की आवाज? गौरव क्या बात हो सकती है? उन्हें मेरी जरूरत है, उन्हें मेरी जरूरत है, मैं जा रहा हूँ। अरे ओ, अरे किसे जरूरत है? अरे हेलो, ये कौन से प्रोफेसर की बात कर रहे थे उन लोग?
पता नहीं, हमारे स्कूल में तो कोई इस्लाम का प्रोफेसर नहीं है। बुद्धू, ये किसी स्कूल के प्रोफेसर की बात नहीं कर रहे थे? तो फिर मुझसे क्यों पूछ रही है, मुझे क्या पता? मगर शैली की बातों से लग रहा था कि वो भी उन्हें जानती है। तो फिर उसी से पूछ, मुझे क्यों पूछ रही है? कॉमन सेंस, यू नो। सही कह रहा है तू, जिसके पास थोड़ी भी कॉमन सेंस होगी ना, वो तुझे कभी पूछेगा ही नहीं। मैं उनसे ही जाके पूछती हूँ। जिसमें थोड़ी भी कॉमन सेंस होगी वो मुझसे कुछ नहीं पूछेगा? क्यों? एनीवेज, अरे ओ रुक तो! बचाओ! बचाओ! प्रोफेसर फर्नांडो, प्रोफेसर फर्नांडो, मैं गौरव आपसे बात करना चाहता हूँ, मेरी बात का जवाब दीजिए। प्रोफेसर फर्नांडो, प्रोफेसर फर्नांडो, प्रोफेसर फर्नांडो, मेरी बातों का जवाब दीजिए प्लीज। गौरव, मैं भी एक बार ट्राई करती हूँ। प्रोफेसर फर्नांडो, प्रोफेसर फर्नांडो, मैं शैली, मुझे जवाब दीजिए प्लीज। प्रोफेसर फर्नांडो, प्रोफेसर फर्नांडो। कोई फायदा नहीं है गौरव, कोई फायदा नहीं है। शैली, ऐसा पहली बार हो रहा है, पहली बार हो रहा है ऐसा। मैंने जब भी प्रोफेसर फर्नांडो को आवाज दी है मुझे तुरंत जवाब देने के। तो फिर आज जवाब क्यों नहीं मिल रहा गौरव? लगता है प्रोफेसर फर्नांडो किसी बड़ी मुसीबत में है। मैं एक लास्ट बार ट्राई करके देखता हूँ, अगर कुछ ना हुआ तो मुझे खुद वहां जाना होगा। बचाओ! क्यों प्रोफेसर, आपको किसी और का इंतजार था क्या? भूल गए आप अपने प्रिय शिष्य को गुरुजी? गुरु मत कह मुझे अपना गुरु, तुझे अपना शिष्य कहते हुए मुझे शर्म आती है। मेरा बस चले तो इसी समय इस दुनिया से तेरा नामो निशान तक मिटा दूं। बस नहीं चलता ना प्रोफेसर, बस नहीं चलता ना, बस तो चलता है सिर्फ ग्रेट विमानचो का, जिसकी शक्तियों का सूर्य और चंद्र भी लोहा मानते हैं, मानते हैं, मानते हैं। कौन सी शक्तियों की बात कर रहा है विमानचो, और किससे बात कर रहा है? तू शायद भूल गया कि ये वही शक्तियां हैं जो मैंने तुझे प्रदान की है, ये वही विद्या है जो मैंने तुझे सिखाई है। बिल्कुल सिखाई है, आपको तो हजारों करोड़ लोगों को शिक्षा दी थी। कहां है आपकी विद्या आज? कहां है वो शिष्य जिनको आपने विद्या दी थी? कहां है? आपको तो विद्या दी थी हजारों करोड़ों, लेकिन उनमें से सिर्फ एक, यानी कि मैंने आपकी बताई हुई विद्या का प्रयोग करके शक्तियां ग्रहण की हैं, शक्तियां ग्रहण की हैं। तूने मेरी विद्या का प्रयोग नहीं बल्कि दुरुपयोग किया। जो विद्या भलाई के लिए प्रयोग की जानी चाहिए थी उसे तूने अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग करके न सिर्फ अपने गुरु का बल्कि उस विद्या का भी अपमान किया। याद रख, यही विद्या एक दिन तेरे पतन का कारण बनेगी।
कहते हैं बुढ़ापे में आदमी पागल हो जाता है, दूसरी भाषा में सटका जाता है। तभी तो तुम ऐसी बातें करने लगे हो। भूल गए हो तुम, तुम्हारे साथियों ने मिलकर मुझे खत्म करने की कितनी कोशिश की। थक गए, चूर हो गए, चूर चूर हो गए, लेकिन उन्होंने मेरी परछाई तक को नहीं छू सके। भूल मैं नहीं, भूल तू गया है फुमांचो। तू भूल गया है कि जूनियर जी ने तुझे बोतल में बंद कर दिया था फुमांचो, और उसे बाहर निकलने के लिए तेरे दांतों तले पसीना आ गया था फुमांचो। चुप, हमें ज्यादा बकवास करने वाले लोग अच्छे नहीं लगते हैं। तेरी जीवन की लीला को मैं यही समाप्त कर दूंगा, फिर देखता हूं कि जूनियर जी का बच्चा क्या खाकर मेरे रास्ते में आता है। तू क्या समझता है मुझे मारकर तू अच्छाई की शक्तियों को हरा सकता? ये तेरी भूल है फुमांचो, तेरी भूल है। अगर तू अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है तो कर वार मुझ पर, मार दे मुझको, चला वार अपना, चला। खुद जाकर देखता हूं। जी जैम जैमी गौरव, तुम लोग यहां कैसे? हाँ वो तुम लोग अचानक वहां से भाग गए तो मैं चिंता हो गई। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अरे वो छोड़, तू ये बता ये प्रोफेसर भरना फर्नांडो कौन है? फर्नांडो नहीं बाबा, प्रोफेसर बर्नांडो। अरे कोई भी हो, लेकिन ये है कौन? वो मुझे नहीं पता, मैंने कभी इनका नाम नहीं सुना। अच्छा, नाम भी नहीं सुना? तभी मोंटी को सही नाम कौन बता रहा था? किसी ने भी बोला हो, तुझे इससे क्या करना है? ए तू तमीज से बात कर। ओ तू भी अपने तमीज में रहा। अरे बाबा बस करो, लड़ना मत शुरू करो तुम लोग। अरे वो छोड़, लेकिन तुझे अचानक हो क्या गया था? तू पार्क से भागा क्यों? वो अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई थी। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? कुछ अजीब अजीब सा लग रहा था मुझे। अब बिल्कुल ठीक हूँ मैं, तुम जाओ यहाँ से, चलो चलो। अरे पर हम तुम्हें इस तरह छोड़कर कैसे जा सकते हैं? टीना मैंने कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग जाओ यहाँ से। अच्छा तुम ठीक है ना? चल फिर हम लोग थोड़ी देर जाके क्रिकेट खेलते हैं, चल। नहीं नहीं मोंटी, इसका मतलब है ये पहले ठीक है मगर अभी बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे तो फिर मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं, नहीं नहीं नहीं, इसकी तबीयत इतनी भी खराब नहीं है। अरे ये क्या चक्कर है, कभी तुम लोग कहते हो कि तबीयत ठीक है, कभी कहते हो कि खराब है, आखिर मामला क्या है? अरे सिंपल सी बात है, इसकी तबीयत थोड़ी ठीक है और थोड़ी खराब है, इसे आराम की जरूरत है। चलो चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं, चलो चलो। अरे मगर अगर मगर कुछ नहीं, चलो तुम्हें सुना नहीं देता, चलो चलो। अरे लेकिन सुनो। अरे चलो बाबा चलो। ए गौरव। हाँ गौरव तुम आराम करना, हाँ कोई काम मत करना। मैं तो कह तुम कमरे से बाहर भी मत निकलना, बल्कि तुम कमरा अंदर से लॉक ही कर लो ना तो अच्छा रहेगा। राइट राइट चलो चलो। अरे लेकिन ये प्रोफेसर फर्नांडो कौन है? फर्नांडो नहीं बाबा, बर्नांडो, प्रोफेसर बर्नांडो। अरे यार कोई भी हो, लेकिन ये है कौन? कोई तो है, चल चल मैं तेरे को बता दूँ। अरे लेकिन फिर भी फर्नांडो। तो चल ना मैं बताती हूँ। जी जैम जैमी बूम, जी जैम जैमी बूम। Yeah.
सब कुछ प्रोफेसर बनांडो को बचाने की कोशिश में हुआ है। इसका मतलब प्रोफेसर बनांडो सचमुच खतरे में है? यानी फ्यूमांचो? बिल्कुल, फ्यूमांचो और उसके साथी प्रोफेसर बनांडो को लेकर जा रहे थे। मैंने उनका पीछा किया लेकिन उन लोग अचानक ज्वालामुखी के अंदर घुस गए। उनके पीछे पीछे मैं भी अंदर चला गया। फिर पता नहीं क्या हुआ, वो ज्वालामुखी फट गया और मैं यहाँ पर। ये सब कुछ जरूर उस दुष्ट फ्यूमांचो ने किया होगा। मुझे भी ऐसे ही लगता है। और मुझे ये भी लगता है कि फ्यूमांचो और उसके साथी उस ज्वालामुखी के अंदर नहीं होंगे। तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है वो ज्वालामुखी वहां तक पहुंचने का एक जरिया था जहां फ्यूमांचो और उसके साथी जाना चाह रहे थे। फ्यूमांचो ने ज्वालामुखी को फोड़कर मुझे दूर हटाया ताकि मुझे पता न लग सके कि वो लोग कहां जा रहे हैं। प्रोफेसर बनांडो उनके कब्जे में है, उन दुष्टों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, अब तुम उनका पता कैसे लगाओगे? वेल, मुझे तो अब बस एक ही रास्ता सोचता है। क्या? मुझे पुराने शक्ति मंदिर जाकर अपने पिताजी की आत्मा को बुलाना होगा। वही मुझे बता पाएंगे कि फ्यूमांचो ने प्रोफेसर बनांडो को कहां छिपाया है। तो फिर चलो, हमें इस काम में देरी नहीं करनी चाहिए। चलो, मतलब क्या तुम भी चलोगी मेरे साथ? ऑफ कोर्स गौरव, मैं तुम्हें इस मुसीबत में अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ। लेकिन शैली, मेरे साथ चलने में तुम्हें खतरा हो सकता है। गौरव, जब तुम्हें दोस्त कहा है तो तुम्हारा साथ निभाना हर हाल में मेरा फर्ज बनता है। और वैसे भी वो दोस्ती कहेगी जो मुसीबत में टूट जाए, राइट? राइट। अब ना होगा जुल्म, ना होगे जुल्म के पहरेदार, अन्याय को जो काटेगी है ये वो तलवार। बन के सुदर्शन आया है, अब भर गई जुर्म की गागर जी, थम गई पाप की आंधी, देखो दुश्मन भागा डर कर जी।